नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। अजीब नजारा देखने को मिला। बसें, ट्रक, गाड़ियां पानी में डूबी हुई थी और सड़कों पर नावें चल रही थी। दिल्ली का करीब 20% इलाका पानी में डूबा हुआ है। दिल्ली में एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात किया गया है, क्योंकि यमुना खतरे के निशान से 3.5 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना का खतरे का निशान 205.30 मीटर है, लेकिन यमुना का वाटर लेवल अभी 208.66 मीटर तक पहुंच गया है, यानी खतरे के निशान से करीब 11 फीट ऊपर। इसका असर यह हुआ कि दिल्ली के उन इलाकों में भी पानी भर गया जिनमें 1978 की बाढ़ के वक्त भी पानी नहीं पहुंचा था। आज यमुना बाजार, ISPT, दिगम बोध घाट, लाल किला, राजघाट, ITO, मोनेस्ट्री मार्केट, मजनू का टीला, जौहरी फार्म, ओखला, खड्डा कॉलोनी, बाटला हाउस, वोट क्लब, ओल्ड रेलवे ब्रिज, विश्वकर्मा खड्डा कॉलोनी, गीता घाट, गढ़ी मांडू, वजीराबाद, उस्मानपुर, बदरपुर, DND, पुश्ता और यमुना खादर से लेकर जगतपुर, बेलापुर, सराय कालेका, ग्यासपुर और मिलेन डिपो के आसपास के स्लम तक सारे इलाके पानी में डूब गए। मैंने अपना बचपन पुरानी दिल्ली के इन इलाकों में बिताया है। मैंने पहले कभी इस तरह के हालात नहीं देखे। 1978 के बाढ़ भी मैंने देखी है। उस वक्त तो लाल किले से आगे का इलाका इतना डेवलप भी नहीं हुआ था। पुरानी दिल्ली में पानी भरा था, राजघाट पर पानी था, लेकिन आज उसके मुकाबले हालत काफी खराब है। आमतौर पर यमुना खादर, यमुना बाजार, दिगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट जैसे इलाकों में तो हर साल पानी आता है, लेकिन यमुना का पानी सड़कें और किनारों को क्रॉस करके रिहायशी इलाकों में घुस गया है। इसकी स्थिति चिंताजनक है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि यमुना का वाटर लेवल 1-2 दिन में कम हो जाएगा। फिलहाल जलस्तर बढ़ नहीं रहा है, इसलिए हो सकता है जिन इलाकों में पानी भरा है उनमें हालात 1-2 दिन में सुधर जाएं। लेकिन इस बाढ़ का असर क्या होगा, इसका अंदाजा अभी दिल्ली के उन इलाके के लोगों को नहीं महसूस हो रहा जहां पानी नहीं पहुंचा है। मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को किस किस तरह की नई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दिखा देता हूं इस वक्त दिल्ली के लोग कैसे हालात से जूझ रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की है। यमुना नदी से सटा हुआ इलाका है। यहाँ करीब 350 दुकानें हैं, 100 घर हैं। कल भी मैंने आपको यमुना बाजार की तस्वीरें दिखाई थी। उस वक्त पानी 3-4 फीट था, दुकानें आधी डूबी हुई थी, लेकिन अब ये दुकानें पूरी तरह से डूब चुकी है। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। अब हालत यह है कि इस इलाके में बोट चल रही हैं, बोट के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये यमुना खादर इलाके का हाल है। इस इलाके में खेती होती है, हजारों झुग्गियां हैं। खेत कल ही डूब गए थे। करीब 14,000 लोगों को कल इस इलाके से बाहर निकाला गया था, लेकिन करीब 2,000 लोगों ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया था। वो जिद पर अड़े रहे। उन्हें लग रहा था यमुना का पानी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन कल आधी रात के बाद अचानक वाटर लेवल बढ़ा तो लोग घबराने लगे। लेकिन पानी का लेवल ज़्यादा था, इसलिए आज इस इलाके में लोगों की मदद के लिए बोट्स भेजी गई। लोग इतने घबराए हुए हैं कि एक नाव को देखते हैं तो सभी लोग उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। रेस्क्यू टीम को समझाना पड़ता है कि घबराए नहीं, बोट दोबारा आएगी और उन्हें भी निकालेगी। घबराने की जरूरत किसी को नहीं है। आप सभी को बचाया जाएगा, कैंप में पहुंचाया जाएगा। सभी लोग अपना सामान बांध लो। दिल्ली के सड़कों पर बड़े बड़े ट्रक और लग्जरी बसें पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। जो अंडरपास हैं वो पूरी तरह डूब चुके हैं। अंडरपास में पानी 20-30 फीट तक भरा है। हमारे रिपोर्टर्स को दिल्ली का हाल दिखाने के लिए आज बोट की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि कई इलाकों में नाव के बगैर पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं बचा। पुरानी दिल्ली में लाल किले के पास, जहां से ITO, राजघाट, यमुना बाजार और पुरानी दिल्ली को जाने वाली चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वो सब सड़कें डूबी हुई हैं। हमारी संवाददाता श्रुतिका ने बोट के जरिए इस पूरे इलाके का जायजा लिया। जब आप श्रुतिका की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी अंदाजा लगेगा कि हालत किस कदर बिगड़ती जा रही है।
ये रिंग रोड है मैम, जो राजघाट नोएडा आईटीओ आश्रम जाता है, और ये रात को गाड़ियां फंस गई थी, ये निकल नहीं पाई, बंद हो गई थी, ये गाड़ियां फंस गई थी, निकल ही नहीं पाई, गाड़ियां फंसी हुई हैं यहाँ पे सारी, ये फंसी हुई हैं, ये सारी बंद हो गई, रात को खूब स्टार्ट करा पर स्टार्ट नहीं हुई। अगर आप देखेंगे इस तरफ तो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि सारी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर फंस चुकी हैं, सारी गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। क्या निकल नहीं पाई थी भैया ये गाड़ियां रात में? नहीं निकल पाई, गाड़ी बंद हो गई। स्कोवर फुट पानी का इतना था कि सारा ही वाटर लेवल भर चुका था। कितने बजे हुआ है? 2:30 बजे। 2:30 बजे हुआ है? हाँ, 2:30 बजे वाटर लेवल बहुत था, जमना यानी उफान पे चल रही थी, उफान पे 2:30 बजे इतना ज्यादा वाटर लेवल हुआ कि यहाँ पर ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया अचानक से। और अब देखिए ये पूरी गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई हैं, बसेस तक यहाँ पर मौजूद है, बस भी फंसी हुई है भाई यहाँ पर। यस मैम, बस भी फंसी हुई है, ट्रक भी फंसे हुए हैं, और रात को हमने खूब ट्राई करा था, ये स्टार्ट ही नहीं हो पाए, स्टार्ट नहीं हुए। हाँ, कहाँ गए इनके अंदर जो बैठे थे वो लोग? ड्राइवर वो सारे आगे बैठे हैं रोड के पार, वो बैठे सामने। यहाँ पर बहुत सारे बस के ड्राइवर्स हैं जो फंसे हुए हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं जो फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो बसेस हैं यहीं पर आकर रुक गई। ये स्लीपर बस है जिसके अंदर बहुत से मुसाफिर भी मौजूद रहे होंगे, लेकिन उनको तो यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। बट ये जो बसेस हैं ये बहुत ज़्यादा पानी के अंदर अभी भी फंसी हुई हैं। कितने बजे यहाँ पर आकर आप लोग फंसे? यहाँ पे हम 12 बजे आके फंस गए। कहाँ के लिए बस जा रही थी? लखनऊ जा रही थी। तो ये कितने पैसेंजर्स थे इसमें? 25 पैसेंजर थे। सबको निकाला फिर? हाँ, सबको निकाल दिया, सीढ़ी लगा के सबको बाहर निकाल दिया, उनको भेज दिया। जब आप आए थे तो कितना पानी था? बस बंद हो गई थी, ये बंद पड़ गई थी। अच्छा। पानी 1.5 फीट था। हाँ। बस बंद पड़ गई, और उसके बाद में कुछ हेल्प नहीं मिली, निकली नहीं, स्टार्ट नहीं हुई। आपने सोचा था कि इतना पानी हो जाएगा कि अब बस के अंदर हम जा तक नहीं सकते? नहीं, नहीं, इतना अगर होता तो मैं लेके नहीं आता। पीछे भी और भी ट्रक्स फंसे हुए हैं, और जो गुड्स लेकर जा रहे थे, केमिकल लेकर जा रहे थे, वो भी आगे फंसे हुए हैं, उनके लिए वो लोग भी वहीं पर रुके हुए हैं पीछे की तरफ। हाँ, वो सारे फंसे हुए हैं। लगातार जब हम इस अंडरपास के अंदर जाते हैं, आपको दिखाएं तो ये अंडरपास भरता जा रहा है। पहले जो थी हाइट कम थी, यानी आप आराम से उसको छू नहीं पा रहे थे, अब मैं जब यहाँ आई तो यहाँ पे इसको आराम से छू पा रहे हैं, यानी जो लगातार है वो जल स्तर इस पूरे इलाके में भरता जा रहा है। जो रास्ते आते हैं लोहे के पुल के लिए जाता है वो रास्ता पूरा बंद हो चुका है, वहीं आईटीओ के लिए जाने वाला जो यहाँ ऊपर का रास्ता है वो सब पूरा बंद हो चुका है, कश्मीरी गेट से जो रास्ता आता है वो भी बंद हो चुका है, यानी जितने चारों तरफ से रास्ते हैं वो सब बंद हो चुके हैं, क्योंकि जो यहाँ पानी भर गया है या जो फ्लो के साथ बह रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर हम सीधे घुसते हैं अंदर तो जब हम लेफ्ट लेते हैं तो यमुना बाज़ार का वो इलाका आता है जो सबसे पहले डूबा था, और वो जो तस्वीरें हम सुबह से वहाँ की देख रहे हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। और ये जब हम अंडर पास के अंदर घुस रहे हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा ये अंडर पास के अंदर घुसते ही हमें झुकना पड़ रहा है, क्योंकि पहले मैं आराम से जब यहाँ खड़ी होती हो रही थी तो इसको छू नहीं पा रही थी। अब देखिए ये हाइट हो चुकी है कि आप देखेंगे अगर मैं ढंग से खड़ी होंगी तो इस पे टकरा जाऊंगी, यानी ये पूरा भरता जा रहा है, जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ये अंडरपास है जो कि यमुना बाजार के लिए जाता है, और मैं इधर ही जाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं यमुना बाजार के उस इलाके में निकल सकूँ जहाँ पर सबसे पहले वाटर लॉगिंग शुरू हुई थी, कि पहले लोगों को लगा कि घुटनों तक पानी आया है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अब आप देखिए तस्वीरें यहाँ से जो आ रही हैं कि अब हम अंडरपास के अंदर हैं, और बैठे बैठे भी मैं इसको छू पा रही हूँ, खड़े होना तो दूर की बात, बैठे हुए मैं इसको आराम से छू पा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इस अंडरपास की ऊंचाई 25 फीट है, इसका समझिए कम से कम 20 फीट पानी इसमें भरा हुआ है। यमुना बाजार के इलाके में हालत ज्यादा खराब है, क्योंकि ये यमुना के बिल्कुल करीब का इलाका है और लो लाइंग एरिया में आता है। यमुना का पानी सबसे पहले यहीं भरता है, यहाँ से ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अब सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो सड़क के किनारे रहते हैं, बेघर हैं, काम करके मजदूरी करके दो वक्त की रोटी कमाते हैं। उनकी हालत ऐसी हो गई कि अब मांग कर खाने का जुगाड़ करना पड़ रहा है। अब इस पूरे रास्ते पर बह रही है, और करंट देखिए इस इलाके का कि बहुत ही ज्यादा है, और भारी बहाव के साथ में यहाँ से यमुना बह रही है और अंदर की तरफ पानी जा रहा है। इस इलाके के कुछ लोग भी मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। और बढ़ रहा है मैडम जी, निगमबोध घाट में भी पानी आ चुका, पूरे नीली छतरी मंदिर भी भर गया सारा, और यहाँ कोई देखने भी नहीं आया अभी तक, क्या हुआ क्या नहीं, और सारा सामान अभी तक यही रखा हुआ है बाहर, व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, सब अभी भी यहीं पे सामान रखा हुआ हमारा, आधा से ज्यादा जो कैंप वगैरह तो सारे डूब चुके हैं, उधर की साइड लगा दीवार के इस तरफ कैंप लगे थे वो सब डूब गए। हाँ जी, पानी भर गया सब जगह,
जो दुकानें थी सब में पानी, सब डूब गए। कितना कितना पानी है, पूरा खतरा बढ़ गया और ऊपर पानी आ गया। घाटों के अंदर 12 फुट पानी है जी। 12 फुट? हाँ जी। तो अब कोई राहत मिली है आपको सरकार की तरफ से? कोई राहत नहीं मिली है कोई भी। कल बोल के गए सानी साहब कि हम टेंट लगवाएंगे, खाना भिजवाएंगे, अभी तक तो ना टेंट आया ना खाना आया। सारे पब्लिक हमारी भूखी मर रही है, हम भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। अभी आप कुछ बना रही हैं, खुद से बना रही हैं? हम खुद अपनी भीख मांग के लाए वो बना रहे हैं और खिलाएंगे सबको। क्या बना रही हैं? चावल बना रहे हैं, देखो भीख मांग के लाए, खिलाएंगे बच्चों को। कितने लोगों के ये कम से कम, ये जितने सारे हमारे भाई बहन है सबको बांटेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हम भी खाएंगे, माँ से माँ तक सबको बांटेंगे। पूरे इलाके में अगर और पानी भरता है, क्योंकि जिस तरीके से बहाव है जल्दी जल्दी जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, तो आप फिर यहाँ से आगे मूव करेंगे ऊपर की तरफ? कहाँ जाएंगे ये तो बताओ आप। इस फ्लाईओवर के ऊपर? फ्लाईओवर की तरफ, उधर हनुमान मंदिर की तरफ से भी पानी आ रहे हैं, इधर से हाईवे सड़क से पानी आ रहा है। लाल किले का संभावना, लाल किले की गेट खोल देंगे तो हम वहाँ चढ़ सकते हैं, वो भी गेट नहीं खोले तो पानी में ही बच जाएंगे। मतलब पूरे इलाके में पानी? पूरे इलाके में पानी है। हैरानी की बात है कि इस बार राजघाट से लेकर आईटीओ तक पानी भर गया है। पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली से जोड़ने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। रिंग रोड पर पानी है, जिसके कारण उन इलाकों में जहां पानी नहीं है वहां भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लोग कई कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे, क्योंकि कम से कम 2 दर्जन जगहों पर रोड ब्लॉक है, ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने हरियाणा और यूपी से दिल्ली में आने वाले कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री बंद कर दी है। आज दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर वजीराबाद से विकास मार्ग तक, कालीघाट से लेकर दिल्ली सेक्रेटेरिएट तक, कश्मीरी गेट से सराय काले खां तक और महात्मा गांधी रोड पर ट्रैफिक बंद किया गया, जिसके कारण दूसरे रास्तों पर ज़बरदस्त जाम रहा। लाल किले का जो पिछला हिस्सा है जहां से रिंग रोड गुजरती है, आज वहां भी पानी चला आया। 350 साल पहले तक यमुना लाल किले के बगल से होकर बहती थी, अब नदी लाल किले से करीब 2 किलोमीटर दूर बहती है, लेकिन आज ऐसा नज़ारा था जैसे यमुना एक बार फिर लाल किले तक पहुंच गई। यमुना का पानी लाल किले की दीवारों से टकरा रहा था। कुछ लोग गलती से सड़क पर आ गए, पानी कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उनकी गाड़ियां बंद हो गई। कुछ बसें भी यहाँ फंसी हुई हैं। रिंग रोड का ये पूरा हिस्सा बंद है। हमारी संवाददाता गुनी करोड़ा ने वहाँ से तस्वीरें भेजी हैं। यहाँ पर कई जगह 3 फीट से लेकर 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। अब वो धीरे धीरे उन इलाकों में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मेरे पीछे आप स्थिति देखिए, ये वो बस है जो इस इलाके से निकल रही थी। जैसे ये बस यहाँ से निकल रही थी, पानी इस बस के इंजन में घुसा, उसके बाद बस यहीं पर बंद हो गई। ऐसी स्थिति उसके पीछे जो देखिए, एक ट्रैक्टर ऐसा है जो लगभग पूरा डूब चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर का जो डाला है वो नजर आ रहा है, बाकी सारा वो ट्रक डूब रहा है। एक ट्रक का देखिए अभी यहाँ से रेस्क्यू किया गया, इस ट्रक को अभी यहाँ से इवैक्यूएट करके बाहर निकाला गया है। क्रेन की मदद से एक लोहे की जंजीर बांधी जा रही है जिसकी मदद से इस ट्रक को बाहर खींच बाहर निकाला गया है। और ऐसे ही अभी लगभग 4 से 5 वाहन पीछे फंसे हुए हैं जिनको निकालना भी मुश्किल है। ये देखिए ट्रक की स्थिति है, जब लोग यहां से अपनी गाड़ियां लेकर निकल रहे थे तब स्थिति ऐसी नहीं थी कि पानी इतना ज्यादा था, पानी एकदम से दोपहर के बाद ज्यादा बढ़ा है। हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया, लगभग 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उसका असर लगातार अब दिख रहा है। आज कश्मीरी गेट ISPT से लेकर दिल्ली के सिविल लाइंस तक पॉश इलाकों में भी यमुना का पानी भर गया। सिविल लाइंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी घर है, यहीं पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहते हैं, दिल्ली के मंत्रियों के सरकारी घर इसी इलाके में हैं, यहाँ पर कई बड़े सरकारी दफ्तर हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह पानी भरा हुआ है। इसी इलाके में मौजूद सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर के आसपास भी पानी भर गया, इसलिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को LNGP हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसे देखकर आपको समझ आएगा कि यहाँ हालात कितने खराब हैं। इस वक्त मौजूद हैं पॉश इलाका सिविल लाइन, जहां पर करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास यहां से बेहद नजदीक है और यहां की तस्वीरें आप देख लीजिए। सिविल लाइन में ये वो इलाका है जो सामने मोनेस्ट्री मार्केट की तरफ जाता है और कश्मीरी गेट की तरफ जाता है। घुटने तक, कमर तक, कहां तक पानी है आगे, कहां तक आ रहा है? यहां तक। देखिए ये शख्स अभी आगे की तरफ से आ रहे हैं कश्मीरी गेट की तरफ से और इनके कंधे तक पानी जो है वो है। कहां तक इस तरीके का पानी भरा हुआ है? मोनेस्ट्री में पूरा भरा हुआ है जी। मोनेस्ट्री में पूरा? हाँ। और आगे कश्मीरी गेट के क्या हालात है?
यहाँ तक आ रहा है जी पानी, अभी यहाँ तक पानी आ रहा है। तो देखिए ये शख्स जो है मोनेस्ट्री से आ रहे हैं और इनके बिल्कुल गर्दन तक जो है वो पानी आ रहा है। आप मेरी तस्वीरें देख लीजिए, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ घुटनों से ऊपर ये पानी जो है ये जाता जा रहा है। क्या हमेशा ऐसा होता है या इस बार ऐसा होता है? सर मैं पिछले 12-14 साल से यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट में काम करता हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन देख रहा हूँ यहाँ पे, जो इतना पानी है यहाँ पे पहली बार। और यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज भी हैं और यहीं पे अपने एलजी हाउस भी यहीं पास में है। ये बहुत पुराना क्लब है, मैसोनी क्लब, इसके अंदर भी पानी पूरे में आ चुका है और एक उद्देश्य अब आगे उसी का लूप है पूरा, जो पूरा डूबा हुआ है ये पेट्रोल पंप तक। तो हम तो देख रहे हैं पहली बार ऐसी स्थिति देखी यहाँ दिल्ली में, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे सचिवालय जो ऑफिस है वो भी बंद हो गया है, अभी ऑफिस है ये और ज्यादा पानी भर गया था और ज्यादा दिक्कत पड़ जाएगी। आप ये देखो जब हम खड़े हुए थे फ्लो वहाँ था, अब हम यही यहाँ तक आ गया पानी, अब और 10 मिनट होंगे तो ये हमें पार कर देगा पानी। कश्मीरी गेट के बिल्कुल पास दिल्ली का प्रसिद्ध मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर है, ये मंदिर डूब गया है। आम दिनों में यहाँ भक्तों की जबरदस्त भीड़ रहती है लेकिन अब इस मंदिर में गले तक पानी भरा है, इसलिए भक्तों के लिए मंदिर बंद है। मंदिर के आसपास की कॉलोनी का भी बुरा हाल है, यहाँ की प्रियदर्शनी कॉलोनी में 300 से 400 घर हैं, सभी घरों में पानी घुस गया है। दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के आसपास का इलाका तो हर बार बारिश में डूब जाता है, वहाँ के लोग भी इसके लिए करीब करीब मानसिक तौर पर तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार पानी बहुत ज़्यादा आया और पहले से लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिली। इस इलाके में रहने वाले लोग खेती करते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन अब ना उनके पास रहने का ठिकाना है ना खाने पीने का सामान। इन लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त तो तमाम नेता उनके पास आते हैं लेकिन मुसीबत में कोई नहीं आया। ये लोहे का पुल आप देख रहे हैं, ये नया लोहे का पुल है और मेरे पीछे आप देखें ये पुराना लोहे का पुल है। पुराने लोहे के पुल के नीचे इस तरीके से, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं जो यमुना नदी से खादर इलाके से थोड़ा ऊपर है, यहां पर इस तरीके से टेंट लगाए गए हैं। अपना जो जरूरी सामान है, लोगों के बेड, चारपाई, फ्रिज, सब कुछ लोगों ने यहां पर रखा हुआ है। लोहे का पुल पूरी तरीके से बंद है, ये पुराना लोहे का पुल है जो कि शास्त्री पार्क को यानी कि जमुना पार्क को कश्मीरी गेट से जोड़ता है। यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लोगों को रोक रहे हैं कि वो इसे क्रॉस ना करें। तो देखिए लोग यहाँ पर सड़क पर बैठकर अपना स्टोव रखकर रोटी बना रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ मदद मिल पा रही है आप लोगों को क्या, आपका परेशानी हो रही है? हाँ मिल रहा है, लेकिन पानी का बहुत है, यहाँ रखने बहुत दिक्कत है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, 4 दिन हो गए रोड पे रहते हुए। पानी पहले देखा था आपने जो इस बार तो बता रहे रिकॉर्ड टूट गया? नहीं जी पहली बार देखा हूँ, इतना बार 45 साल बाद में इतना पानी हुआ है। यहाँ से लगातार टेंट लगे हुए हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी हो रही है पानी की दिक्कत, हर चीज की दिक्कत, खाने पीने की, किस चीज की। जब वोटिंग आती है तो हाथ जोड़ के हर चीज करके आ जाते हैं कि जी हमें वोट देना, हमें वोट देना। अब कहाँ से, अब कहाँ गए लोग? कभी क्या नीचे खेती का काम था आपका? खेती का काम है सारा कुछ, सारा नुकसान हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ है? भिंडी बो रखी थी हमने, भिंडियाँ खूब निकल रही थी, अब क्या करें, सब सारा कुछ मर गई, गुलाब मर गई, भिंडियां मर गई, सब मर गए, अब कहाँ जाएं हम? किसी चीज की हमें वो है सुविधा, किसी चीज की सुविधा नहीं, हमारी लेबर रह रही है वहाँ, पानी तक का सुविधा, घर वगैरह थे सब डूब गए नीचे, सब डूब गए, झोपड़ियाँ वगैरह सब खत्म हो गई हमारी, लेबर रह रही है, लेबर को जरा सी भी सुविधा नहीं है, भगा देते हैं वहाँ से, चलो निकलो भगो, अब लेबर कहाँ जाए, सब बह गई, सब बह गई, सब बह गई, सामान भी बह गया। और ये सामने आप तस्वीरें देखिए, लोहे के पुल के बिल्कुल बगल की ये तस्वीरें हैं, पानी बिल्कुल लोहे के पुल पे टच हो रहा है। अगर आपको यहाँ से आप देखना चाहें, जो लोहे का पुल है वो पूरी तरीके से वहां तक पानी जो है यहाँ पर आ चुका है, लोगों की जो नीचे झुग्गियां थी, झोपड़ियां थी, सब कुछ बह गई हैं। मयूर विहार में यमुना किनारे वाले एरिया की तस्वीर भी ऐसी है, हालांकि यहाँ खादर इलाके की झुग्गियों में रहने वाले तमाम लोगों को वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने फ्लाईओवर के पास पक्के मकान बना लिए थे वो परेशान है। आम दिनों में यमुना जहां तक बहती है उस जगह से इनके मकान काफ़ी दूर पड़ते हैं, लेकिन अब पानी वहां तक पहुंच चुका है, मकान की पहली मंजिल पानी में डूबी हुई है, लोग अपने घरों की छतों पर बैठे हैं। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने लोगों को से बात की, लोग कह रहे थे कि उन्हें इस बात का डर है अगर पानी और बढ़ा तो सब कुछ डूब जाएगा, इसलिए फ्लाईओवर पर खड़े होकर रस्सी के सहारे अपना सामान निकाल रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाऊं, देखिए कि किस तरह से लोगों का जीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है,
छतों पे लोग जो है इस वक्त रहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से छत पर ही खाना बन रहा है, वहीं पर लोग खा रहे हैं, वहीं पर ही जो है सभी काम जो है वो किए जा रहे हैं। जो जानवर है उनको बांधा गया है, धीरे धीरे करके जो लोग हैं उनको बचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। देखिए एक रस्सी यहाँ से फेंकी गई है नीचे, और अगर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रस्सी में सामान बांध कर जो है उस सामान को ऊपर खींचा जा रहा है। ये रस्सी से आप सामान लेके आ रहे हैं, क्या पर्याप्त हो पा रहा है? ये कोई सुविधा ही नहीं है, क्या करें फिर? कुछ तो करा जाएगा जी, बच्चे भी भरे पड़े हैं, कोई सुविधा है नहीं, तो ऐसा करके निकाल ले। आप लोग कब आए? रात के 12 बजे आए। 12 बजे आए। खाने पीने का इंतजाम कुछ हुआ? कहाँ रह रहे हैं आप लोग? पुल की तरफ, पल्ला की चिल्ला की तरफ। सरकार की तरफ से कुछ कुछ इंतजाम अभी नहीं मिला? कोई मतलब आपका क्या घर की क्या स्थिति अगर आप बताएं? घर क्या, घर में तो सामान सट्टा सब रह गया, डूबा हुआ पूरा घर। हाँ, घर डूब गया। कितनी दूर है यहाँ से घर, कितनी दूर है आपका? अरे भाई जमुना पे है। जमुना पे ही है। अम्मा आप बताइए घर कहाँ है आपका? जमुना पर। जमुना, क्या घर क्या पूरा डूब चुका है? पूरा डूब चुका है, मेरी मेरा कुछ नहीं है, सब चलो गो, मेरी गैया बछिया सब होना ही है भाई। पूरा घर डूबा हुआ है, पूरी कॉलोनी जो है वो डूब चुकी है। गाय और भैंस जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं पानी में इस वक्त फंसे हुए हैं। लोगों ने जो है वो बंधे हुए हैं, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए उनको खोलने के लिए। और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गाय भैंस जो है वो बंधी हुई है, साथ में यहाँ पर जितना भी खाने पीने का सामान था वो सारा का सामान, सारा का सारा सामान डूब गया है। ये बहुत बेकार स्थिति है अभी तो। क्या हो, अगर खाने पीने का इंतजाम कैसे हो रहा है? जो अपना पहले का है थोड़ा बहुत वो चल रहा है। दिल्ली के कितने सारे इलाकों में बुरा हाल है ये तो आप तस्वीरें देखकर समझ गए होंगे। सरकार ने करीब 2500 रिलीफ कैंप बनाए हैं। यमुना खादर के इलाके में सड़कों पर टेंट लगे हैं। दिल्ली में जो ओवरब्रिज हैं उनके नीचे कम से कम 20,000 लोग शरण लिए हुए हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है, रिलीफ कैंप्स में न तो लाइट है न पीने का पानी। सरकार ने जनरेटर्स का इंतजाम किया था, कई जगह वो भी पानी में डूब गए। पानी निकालने के लिए जो पंप लगाए गए थे वो भी यमुना के पानी में समा गए। इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग अपने घरों में हैं उनके सामने भी परेशानियां कम नहीं हैं। लोगों के घरों में राशन पानी खत्म हो गया है, पानी की सप्लाई बंद है, इसलिए पीने का पानी लेने के लिए लोग दर दर फटक रहे हैं। मेरा नाम भूरी है। कहाँ से पानी ला रहे हो? जंगूरी बाग से, अंदर से। तो पानी आता था पहले तो, अब क्यों नहीं आ रहा? जब से जो बाढ़ आई है तब से पानी बंद हो गया। पानी बंद हो गया? ऐसे कब तक ढोगे पानी? क्या करें, मजबूरी है, पेट के खाते जब प्यास लगेगी तो लाना पड़ेगा ना पानी। बच्चे प्यास से रो रहे हैं, अब मोल पानी कब तक पिलाएंगे? घर का खर्चा करेंगे, मोल पानी पिलाएंगे बताओ। आप भी लेने जा रहे हैं पानी? हाँ जी, पानी लेने जा रहे हैं। पानी अचानक आना बंद क्यों हो गया? पता नहीं क्यों बंद हो गया, ये नहीं पता मैं कह रहे हैं। ये जमुना जी की वजह से। जमुना की वजह से? हाँ जी। पहले आता था? पहले आता था, आज ही बंद हुआ है पानी। पीने का पानी बंद हो गया अचानक? हाँ, पीने का भी बंद हो गया, वैसे भी बंद है, लाइट भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। आप देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी लोग प्यासे हैं, पीने का पानी नहीं है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में पानी के जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनमें भी यमुना का पानी भर गया है, इसलिए वजीराबाद, ओखला और तीनों प्लांट बंद कर दिए गए हैं। इन तीनों प्लांट से दिल्ली में पीने के पानी की 1/3 सप्लाई होती है। प्लांट्स के बंद होने से दिल्ली में पानी की सप्लाई नहीं होगी। आज अरविंद केजरीवाल वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करने पहुंचे, उन्होंने कहा कम से कम 2 दिन तक तो दिल्ली के लोग मुसीबत झेलनी पड़ेगी। मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना वर्क फ्रॉम होम करें। जो एरियाज अफेक्टेड हैं वहाँ पर हमने स्कूल्स भी अब बंद करवा दिए हैं। पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पर पहुँची है, इस लेवल की पानी पहुँचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे, ट्यूबवेल्स चलते थे, वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, उनका भी पानी कम हो गया है।
तो एक दो दिन पानी की काफी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। जैसे ही पानी कम होगा मशीनें सुखाने का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जनता को तकलीफ होगी, जनता को उसका सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल कहने कि दो दिन में पानी की सप्लाई ठीक हो जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यमुना का वाटर लेवल कल तक कम हो जाए उसके बाद भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करने में कम से कम एक हफ्ते का वक्त लगेगा और दिल्ली वालों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इस वक्त मिलकर मुश्किलें कम करने की कोशिश तो कर रहे हैं। आज LGBK सक्सेना ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक मीटिंग बुलाई जिसमें अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। मीटिंग में फैसला हुआ कि दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। जरूरी सेवाएं देने वाले सरकारी दफ्तरों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तर रविवार तक वर्क फ्रॉम होम पर चलेंगे। प्राइवेट कंपनियों से भी कहा गया कि कोशिश करें ज्यादातर कर्मचारियों को घर में रहकर ही काम करने के लिए कहा जाए। अभी DDMA की मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे LG साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले एक दो दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। मेरे ख्याल से अभी तक लगभग 20,000 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं और 50 से ज्यादा बोट्स हैं, लेकिन अभी ये कहा गया उन्होंने कि ज्यादा बोट्स की जरूरत होगी तो ज्यादा दे देंगे। ऐसा लगता है जो पानी कल छोड़ा उन्होंने वो अब कि आज शाम तक थोड़ी सी पानी लगता है राइज करेगा, उसके बाद हो सकता है पानी नीचे जाना चालू हो जाए। जो लोग सेफ इलाकों में हैं जिनके घरों तक पानी नहीं पहुंचा उन्हें बाढ़ के हालात का अंदाजा सिर्फ हमारी तस्वीरें देखकर हुआ होगा, लेकिन उनके लिए भी परेशानियां कम नहीं हैं। पानी की सप्लाई बंद है और जो दूरी तय कर रहे हैं, जो ट्रैफिक है उसकी वजह से जब एक घंटा लगता था, बाढ़ जैसे हालात के कारण अब वही दूरी तय करने में 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। आज दिल्ली की सड़कों पर हर तरफ ट्रैफिक जाम दिखाई दिया। आधी दिल्ली की सड़कों पर पानी था, जहां पानी नहीं है वहां सड़कों पर गाड़ियों का जाम था। दिल्ली में बाढ़ के जो हालात बने हैं उसके लिए हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से पानी का फ्लो कम हुआ है, इसलिए दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल स्टेबल हो गया है। इस बात में थोड़ी सच्चाई भी है। परसों हथनीकुंड बैराज से 30 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किया गया था, कल 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, लेकिन कल शाम 7 बजे के बाद से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इसलिए दिल्ली में यमुना के वाटर लेवल में फर्क तो पड़ा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हथनीकुंड बैराज की हैं, और इस वक्त हथनीकुंड बैराज भी ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में जो बारिश हुई है उसका पानी इसी बैराज में आता है। हरियाणा में भी इस बार ज़्यादा बारिश हुई है, घग्गर नदी का तटबंध टूट गया है, कई गांव डूब गए हैं, इसलिए घग्गर नदी के पानी को डाइवर्ट किया गया है। इसके बाद भी दिल्ली के हालात को देखते हुए हथनीकुंज बैराज से पानी कम छोड़ा जा रहा है, इसीलिए दिल्ली में हालात सुधरने की उम्मीद तो बनी है, लेकिन अगर उत्तराखंड और हिमाचल में तेज बारिश होती है तो दिल्ली वालों को और नई मुसीबतों के लिए तैयार रहना होगा। आज मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, टाउन प्लानर से बात की, मौसम वैज्ञानिकों से पूछा क्या दिल्ली में इस तरह के हालात की वजह क्या है। सबने कहा कि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी सिर्फ एक वजह है, लेकिन दूसरे कारण भी हैं। दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अंग्रेजों के जमाने का है। खासतौर पर पुरानी दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम तो इस तरह के हालात का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जो नाले हैं उनकी कभी ठीक से सफाई नहीं होती। दिल्ली की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी है, जिस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है, उसके हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव नहीं किया गया। और दूसरी बात, यमुना की डीसिल्टिंग नहीं होती।
इसलिए नदी की वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। और तीसरी बात यह कि यमुना के रिवर बेड पर कब्जा करके लोग बस गए हैं, घर बन गए हैं। जिन इलाकों में बाढ़ के हालात हैं वो ज़्यादातर रिवर बेड पर ही हैं, इसलिए नदी शहर में नहीं आई, शहर नदी में पहुंच गया है। जब तक ये हालत नहीं बदलेगी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। कल ही मैंने आपको IIT गांधीनगर के वैज्ञानिक की बात सुनवाई थी। ये साइंटिस्ट कह रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हर साल होंगी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली वालों को भी इस तरह की मुसीबतें झेलने की आदत डाल लेनी चाहिए। और मुसीबत यह भी है कि मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज भी दोनों राज्यों से डराने वाली तस्वीरें आई। उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। आज चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। पाताल गंगा के पास अचानक हाईवे पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, सड़क पर पत्थरों का पहाड़ जमा हो गया। गनीमत यह रही कि जब तक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त हाईवे पर किसी तरह की आवाजाही नहीं थी, ट्रैफिक नहीं था, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं, इसलिए फिलहाल चार धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। जो टूरिस्ट फंसे हैं उन्हें भी प्रशासन की परमिशन मिलने तक वहीं रुकने को कहा गया है जहां वो ठहरे हैं। हिमाचल प्रदेश के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। अब सरकार का पूरा फोकस उन टूरिस्ट को बचाने पर है जो दुर्गम इलाकों में फंसे हुए हैं। पिछले चार दिन से चंद्रताल में फंसे 255 टूरिस्ट को आज रेस्क्यू कर लिया गया। इनमें कुछ विदेशी टूरिस्ट भी हैं। बर्फबारी की वजह से रोड पर 4 फीट बर्फ जमा थी, वापसी का रास्ता बंद था। 60 टूरिस्ट को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया और इसके बाद रास्ता खोलने की कोशिश हुई, क्योंकि टूरिस्ट की संख्या ज़्यादा थी। करीब 48 घंटे की मेहनत के बाद प्रशासन की टीम इन टूरिस्ट तक पहुंची और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। मैं 6 दिन से यहाँ पे चंद्रताल के मून लेक कैंप में स्टक थी। मैं अभी रेस्क्यू होके वी आर गोइंग टूवर्ड्स लोसर। स्नो स्टॉर्म था, बहुत डिफिकल्टीज हुई, फाइनली वी आर रेस्क्यूड एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सिटी। हम चंद्रताल आए थे, हम ऑलमोस्ट 5 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम ने हमारे को आज रेस्क्यू किया है। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ सबका, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया है। हम यहाँ चंद्रताल आए थे घूमने के लिए, बट हम बेस कैंप में बहुत ही हैवी स्नो स्टॉर्म की वजह से फंस गए, लेकिन हिमाचल पुलिस एंड मेनली चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारा बहुत साथ दिया है, हमारे कैंप वालों ने हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत अच्छे से हमें रेस्क्यू किया है और अब हम आधे रास्ते तो आ ही गए हैं और लोसर भी बहुत थोड़ा सा बचा है। हम पिछले 5 दिनों से चंद्रताल में फंसे हुए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। फंसने के कारण हमें लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सारे रेस्क्यू टीम ने हमें कैसे भी करके मेहनत करके जी रात भर मेहनत करने के बाद हमें यहाँ से रेस्क्यू किया है, इससे हम तहदिल से उनको धन्यवाद कहते हैं। आज जिन लोगों को बचाया गया वो प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम की तारीफ कर रहे हैं, पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कल जो लोग मनाली से निकले थे वो कह रहे थे कि पुलिस ने कोई काम नहीं किया, कहीं पुलिस नज़र ही नहीं आई। आज मैंने हिमाचल में फंसे बहुत सारे लोगों से बात की, ज़्यादातर तो लोगों ने बताया कि जैसे हालात थे, जिस तरह की सिचुएशन थी, जिस तरह सड़कें टूटी हुई थी, कम्युनिकेशन नहीं था, उसमें हिमाचल के पुलिस ने बेहतरीन काम किया। पुलिस वाले टूटे रास्तों पर 8-8, 9-9 घंटे चल के अपनी जान जोखिम में डालकर मुश्किल में फंसे लोगों तक पहुँचे, उनकी मदद की, उनके अपने परिवार वालों से बात कराई, जहाँ से लोगों को निकाला नहीं जा सकता था वहाँ खाना पहुँचाया, लोगों को हिम्मत बंधाई। इसलिए हिमाचल पुलिस का काम काबिले तारीफ है। मुझे लगता है हिमाचल में जिस तरह की आपदा आई उसमें तुरंत मदद पहुंचाना मुश्किल काम था, इसके बाद भी पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने अच्छा काम किया। उम्मीद करनी चाहिए कि अब हिमाचल में बारिश का प्रकोप कम होगा और लोगों को मुसीबतों से छुटकारा मिल पाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं बिहार से आई एक बुरी खबर। पटना में प्रोटेस्ट के दौरान
पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई, एक सांसद को भी लाठियां पड़ी, दर्जनों कार्यकर्ता घायल हो गए, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, किसी का सिर फूटा। और अब इसको लेकर बीजेपी और नीतीश सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा कि वो कार्यकर्ता की मौत के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाएगी, जबकि पुलिस का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ता की मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई, भगदड़ के वक्त बेहोश हो गया था, हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। लेकिन इस मौत को लेकर अभी बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। असल में हुआ यह कि पटना में आज बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया था। बीजेपी टीचर भर्ती के नियमों में बदलाव, 10 लाख नौकरियां देने के वादे और तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली थी। बिहार में बीजेपी के सारे छोटे बड़े नेता पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इकट्ठा हुए। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने बताया कि बीजेपी के प्रोटेस्ट मार्च को गांधी मैदान से डाक बंगले तक जाना था। इस मार्च के लिए पूरे बिहार से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। मार्च शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन डाक बंगले से पहले पुलिस ने बीजेपी के प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक रही थी, ताकत लगा रही थी, और बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने के लिए जिद कर रहे थे। कुछ लोगों ने बैरिकेड फांदने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। जिस समय पुलिस और बीजेपी वर्कर्स के बीच हाथापाई शुरू हुई, उस समय डाक बंगला चौराहे पर बहुत कम लोग पहुंचे थे। उनकी अगुवाई महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कर रहे थे। सांसद महोदय पुलिस वालों से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद जो सामने आया उस वक्त पुलिस से जमकर लाठियां बरसा, दौड़ा दौड़ा कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा। न किसी की उम्र का ख्याल किया, न महिलाओं। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भी पुलिस ने लाठी से कई बार किया। पुलिस लाठीचार्ज से बचने के लिए बीजेपी वर्कर आसपास के मार्केट की तरफ भागे, कुछ लोग गलियों में छुप गए। इसके बाद पुलिस के दस्तों ने बीजेपी वर्कर्स को मार्केट से निकाल निकाल कर पीटना शुरू किया। जो भी सामने आ रहा था, बिहार पुलिस के जवान उस पर लाठियां बरसा रहे थे। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, इसके बाद टीयर गैस से शेल फेंके। एक तरफ से लाठीचार्ज, दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले। बीजेपी कार्यकर्ता दोनों तरफ से घिर गए थे, वो पुलिस से बचकर भागने लगे। इस भगदड़ में कुछ लोग किनारे खड़ी बाइक पर गिर पड़े। पुलिस ने उन्हें संभलने का भी मौका नहीं दिया, लाठीचार्ज जारी रखा। बीजेपी के प्रोटेस्ट मार्च में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी। उनको तितर बितर करने के लिए बिहार पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। महिला पुलिस की बटालियन भी बुला ली गई थी। महिला प्रदर्शनकारियों को भी खदेड़ा जाने लगा। इस दौरान कुछ महिला प्रदर्शनकारियों की महिला पुलिस के जवानों से बहस भी हुई। इसके बाद तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। महिला प्रदर्शनकारियों पर भी पुलिस की लाठियां चलने लगी। इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते रहे। एक कार्यकर्ता सड़क पर गिरा, बेहोश था। बीजेपी वर्कर उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पता लगा जिस कार्यकर्ता की जान गई है वो जहानाबाद जिले में बीजेपी के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह थे। प्रदर्शन में शामिल लोगों का दावा है कि पुलिस की लाठी के कारण ही विजय सिंह बेहोश हुए, उसके बाद उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता की मौत की खबर से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया।
लेकिन पुलिस पर कोई असर नहीं। पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को बस में भरा और थाने ले गई। सुशील कुमार मोदी को भी हिरासत में लिया गया। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। नीतीश के आदेश पर ही पुलिस ने दरिंदगी की, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। सुशील मोदी ने कहा, अगर नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि सत्ता के बल पर विपक्ष को दबाया जा सकता है, तो ये उनकी भूल है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ उन्हें एक्सपोज करेगी। देखिए, सबसे दुखद तो ये हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह, जो जहानाबाद का जिला महामंत्री है, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। ये 50,000 लोग थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ना कहीं तोड़ फोड़ थी, ना कोई हिंसा थी। उसके बाद भी अश्रु गैस का गोला छोड़ा गया, लाठी चार्ज किया गया और 2 दर्जन से ज़्यादा हमारी महिला और युवा कार्यकर्ता घायल हो गए, लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नीतीश जी, क्या आपके राज्य में प्रदर्शन करना भी गुनाह है? हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, चाहे शिक्षक कर्मियों का मामला हो या तेजस्वी के इस्तीफे का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, अपनी मांग से हम पीछे नहीं हटेंगे। इस पूरे मामले में नीतीश कुमार अभी तक खामोश हैं, कुछ नहीं बोले। तेजस्वी ने जवाब जरूर दिया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर वो भी कुछ नहीं बोले। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार अपने वादे पूरे कर रही है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब कर रही है, हुड़दंग कर रही है, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं देगी। बेकार की बात है, असल बात है, मुद्दे की बात है। बात स्पष्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया, हम लोगों ने भी कहा है, जब सदन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी शिक्षक नेता हैं सब लोगों को बुला करके बात होगी, तो वो तो बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन कौन लोग ये बात कह रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। ये लोग रोजगार मांग रहे हैं 10 लाख की, तो बताएं ना भाई, कौन सा ऐसा राज्य है देश में जहाँ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी के लिए निकाली गई है, इसका कोई जवाब नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि हम अपने शासन काल में रहते रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ का हिसाब दे ना भाई, महंगाई का हिसाब दे। तो सारे शिक्षक संगठनों से हमारी भी बात हुई और यहाँ तो आज तो कोई शामिल भी नहीं था उसमें, ये तो बेकार का हुड़दंग कर रहे हैं। 18 साल तक कौन था भाई यहाँ सरकार में? अरे हम तो नहीं, मेरा जवाब दीजिए ना, ये कौन था? ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब ना राज्य की, तब बहाली निकाली गई, तब जो है राजकीय जो दर्जा जो है वो दिया जा रहा है, और कोई छोटी मोटी जो शिकायत होगी संवाद कर रहे हैं हम। लेकिन पुलिस ने बार बार ये साबित करने की कोशिश की कि विजय सिंह की मौत पुलिस के लाठीचार्ज के कारण नहीं हुई। पटना के डीएम ने एक बयान जारी किया है जिसमें विजय सिंह के एक साथी के बयान का हवाला देकर कहा है कि विजय सिंह उस जगह तक पहुंचे ही नहीं थे जहां लाठीचार्ज हुआ। डाक बंगले से पहले ही भगदड़ हुई, कुछ कार्यकर्ता गिर पड़े, उसी वक्त विजय सिंह भी बेहोश होकर गिरे। डीएम ने कहा कि विजय सिंह के शरीर पर चोटों के कोई निशान नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले पटना के SSP राजीव मिश्रा ने भी यही बात कही। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पुलिस लाठीचार्ज से नहीं हुई। मौत की असली वजह क्या है, इसका पता पोस्टमार्टम से लगेगा। ये जो पूरी घटना है वो 13:23 से उनके जो गिरने की घटना है, घायल गिरने की घटना है, अस्वस्थ होकर मूर्छित होकर 13:23 से 13:28-29 के बीच की घटना है। उस संबंध में जो CCTV फुटेज हम लोगों ने देखा, उस फुटेज में ये भी स्पष्ट है कि उसमें न तो कोई पुलिसकर्मी वहाँ दिख रहा है, न किसी प्रकार का कोई भगदड़ वहाँ मची हुई है, सामान्य ट्रैफिक चलते हुए दिख रहा है। तो इस संबंध में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सारी घटना ऐसी परिस्थिति में हुई, हम लोगों ने पूरी पारदर्शिता बरतते हुए, प्रशासन ने, हमने जो है मजिस्ट्रेट से इन्क्वेस्ट कराया है, हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और साथ ही साथ पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया गया है। तो अभी यही फैक्ट है। शाम को बीजेपी नेताओं ने
पार्टी ऑफिस में बीजेपी के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी ने बिहार में कल ब्लैक डे के तौर पर प्रदर्शन की कॉल दी है। कल जगह जगह बीजेपी के नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पुतले फूकेंगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी वर्कर की जो हत्या हुई है उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ 302 का केस होना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी पूरे बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। ये आज जंगल राज रिटर्न था। जंगल राज जिसकी उत्पत्ति लालू प्रसाद जी ने किया था, आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार में जंगल राज रिटर्न किया। और जब से ममता दीदी के संरक्षण में नीतीश कुमार जी गए, तो आज बंगाल और बिहार की स्थिति सेम हो गई। वहां भी लोकतंत्र खत्म है और बिहार में भी लोकतंत्र खत्म करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के चलते आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय सिंह जी की हत्या हुई। और मैं कई चैनलों पे देख रहा हूं कि कुछ डॉक्टर का बयान आ रहा है, कुछ और कुछ सरकार के लोगों का बयान आ रहा है। अरे अभी पोस्टमार्टम हुआ कहां? पहले पोस्टमार्टम तो कराओ, तब तो पता चले आपने हत्या किया है नीतीश बाबू। पटना में आज पुलिस ने जो बर्बरता की, प्रदर्शन करने वालों पर जिस तरह से लाठियां चलाई, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। पुलिस ये कहकर नहीं बच सकती कि बीजेपी कार्यकर्ता की मौत लाठी खाने से नहीं हुई, गिरकर हुई, अपने आप हो गई। कैमरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। किसी का सिर फूटा, किसी के हाथ पैर टूटे, किसी का खून बहा और कितने लोग चोट खाकर हॉस्पिटल पहुंचे। ये सब लोग गवाह हैं इस बात के कि पुलिस ने ना आगे देखा ना पीछे, ताबड़तोड़ लाठियां चलाई। जो लोग प्रदर्शन की जगह से चले गए थे उनको निकाल निकाल कर पीटा। प्रोटेस्ट करने वाले एक राजनीतिक दल के लोग थे। जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती तो होती है। आगे बढ़ चढ़कर वर्कर बैरिकेड फाड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस क्रूरता पर उतर आए, प्रदर्शन करने वालों को बेरहमी से कुचला जाए। ऐसा लगता है जैसे पुलिस को पहले से इंस्ट्रक्शन थी कि प्रोटेस्ट करने वालों की जमकर पिटाई करनी है। अब कम से कम नीतीश कुमार को अपनी पुलिस को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो पुलिस वाले दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं। पेरिस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने किया। एयरपोर्ट पर मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी जब अपने होटल पहुंचे तो होटल के बाहर इंडियन ओरिजिन के लोगों ने उनका स्वागत किया। सबके हाथ में तिरंगे थे, सब मोदी के स्वागत में नारे लगा रहे थे। दो दिन के दौरे में मोदी का शेड्यूल बहुत बिजी है। कल प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के नेशनल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, लेकिन मोदी की मीटिंग का दौर अभी से शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद मोदी फ्रांस की प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट के स्पीकर और सेनेट के प्रेसिडेंट के अलावा बिजनेस लीडर से अलग अलग मुलाकात करेंगे। इसके बाद रात करीब 11 बजे नरेंद्र मोदी इंडियन कम्युनिटी के एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री के सम्मान में प्राइवेट डिनर रखा है, मोदी उस डिनर में भी शामिल होंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों पेरिस में बस्टिल डे परेड देखेंगे। इसके बाद पेरिस के दुनिया भर में मशहूर लूवर म्यूजियम में मोदी के लिए स्टेट बैंक्वेट रखा गया है। खास बात यह कि फ्रांस के नेशनल डे परेड में इस बार इंडियन आर्म फोर्सेस के जवान भी शामिल होंगे।
मोदी के फ्रांस दौरे में 26 राफेल विमानों का सौदा होगा। भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए 26 रफाल फाइटर जेट को का नेवल वर्जन खरीदेगा। इससे पहले भारत ने 2015 में फ्रांस से 36 रफाल फाइटर जेट्स खरीदे थे। इनमें से कुछ फाइटर जेट्स फ्रांस के नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए पेरिस पहुंचे हैं। इंडियन पायलट की अगुवाई कर रहे ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि एक तरह से रफाल जेट एक बार फिर अपने घर आए हैं। 26 रफाल खरीदने के अलावा भारत फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास की 3 और सबमरीन खरीदेगा। दोनों देशों के बीच मिलकर हेलीकॉप्टर इंजन बनाने का समझौता भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। इसके लिए काफी तैयारियां की गई हैं, लोगों में काफी उत्साह है। इंडिया टीवी पर नरेंद्र मोदी का यह संबोधन हम आपको लाइव दिखाएंगे करीब 1 घंटे बाद। 2 दिन पहले मैंने आपको रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ी की तस्वीरें दिखाई थी, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हुई थी, दर्दनाक हादसा था। आज गाजियाबाद एक्सप्रेसवे से इसी तरह की चौंकाने वाली तस्वीर आई, जिस एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से आने वाली बस के कारण जो एक्सीडेंट हुआ था, 6 लोगों की मौत हुई थी। आज उसी एक्सप्रेसवे पर फिर से एक गाड़ी रॉन्ग साइड पर दौड़ती हुई दिखाई दी। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ जा रही थी और उसी साइड चल रही थी जिस तरफ दिल्ली से मेरठ जाने वाली गाड़ियां चलती हैं। लोगों ने रॉन्ग साइड पर चल रही गाड़ी का वीडियो बनाया, गाजियाबाद पुलिस को टैग करके ट्वीट कर दिया। पता चला ये एक सरकारी गाड़ी थी, इसका नंबर लखनऊ का था, गाड़ी किस विभाग की थी, किस अफसर की है, यह भी पता नहीं लगा है। पुलिस ने ट्विटर पर शिकायत मिलने के बाद रॉन्ग साइड पर दौड़ रही इस गाड़ी का ऑनलाइन चालान कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि गाड़ी अपना कट भूलकर आगे बढ़ गई थी, फिर रॉन्ग साइड पर वापस आ रही थी, अब उसका 2,000 रुपये का चालान कर दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने सिर्फ 2,000 का चालान काटकर जिम्मेदारी पूरी कर ली, ये चिंता की बात है। पुलिस को इस गाड़ी का नंबर पता है, इसलिए अब तक तो अफसर की पहचान भी हो गई होगी। गाड़ी को जब्त करना चाहिए, जब तक हम गाड़ियों पर इस तरह 2,000 रुपये का जुर्माना करके उन्हें छोड़ते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसी गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आज की बात में इतना ही, मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।